हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1158 नए मामलों की पुष्टि हुई। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 25 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर हमला बोला, कहा बड़ौदा में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर 10 साल में हमने काम नहीं किया तो सीएम बड़ौदा से चुनाव लड़कर देख लें। धान की फसल खरीद न होने से किसान परेशान है। किसान उकलाना नहीं अनाज मंडी में 22 दिनों से फसल को लेकर बैठे हैं। आश्वासन मिलता है लेकिन फसल नहीं बिकती। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। नारनौल में ओवरलोड माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नारनौल में धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है। अपनी मौत का ड्रामा रचने वाले राम मेहर को पुलिस देर रात छत्तीसगढ़ से हांसी लेकर आई। पुलिस ने राम मेहर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया। राम मेहर की कार में मिले लाश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मेहर के कार में मिली लाश उसके दोस्त की थी। राम मेहर ने खुद ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। बीते दिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अरेस्ट हुआ राम मेहर। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले बिजली की समस्या दूर करनी चाहिए, उसके बाद यह फैसला लेना चाहिए। कालावली में आरती और मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे आज मजदूर यूनियन का पटवारी संगठन ने समर्थन किया। पीएम मोदी के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे जाने पर राहुल गांधी के वार पर गृहमंत्री ने पलटवार किया है, कहा राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री है। मैम 24 के खरगड़ा गांव में महिलाओं ने जलघर पर ताला जड़ दिया। बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ौदा हल्के के बनवासा गांव में पीएचसी में पिछले 2 महीने से आशा वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद की मिर्जापुर गांव में नगर निगम के कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध शुरू हो गया, जिसे लेकर ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे। फसलों के अवशेष ना जलाए जाए, इसे लेकर अब किसान जागरूक होते दिख रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गट्ठे बनाकर किसान उन्हें मिल्स में बेच रहे हैं। करनाल के लघु सचिवालय सभागार में डीसी निशांत कुमार यादव ने दूसरों के जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने वालों को सम्मानित किया। उपायुक्त ने सभी प्लाज्मा डोनर को 1 कप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भिवानी पहुंची प्रदेश महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव ने कहा कि देश में बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन की जरूरत है, हमारे संस्कार प्रभावित हो रहे हैं। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज हो चुका है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बाल महोत्सव की ऑनलाइन शुरुआत की। इसके लिए वेबसाइट आज से 10 नवंबर तक खुली रहेंगी। प्रदेश के बच्चों का टैलेंट ऑनलाइन दिखेगा। और जुलाना के रामकली गांव में एक बिजलीकर्मी ने खुदकुशी कर ली। बिजलीकर्मी ने अपने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। बुलेटिन